Good morning. I am your science teacher Kajal Mishra. Dear students, we are going to continue our running chapter, that is chemical and chemical changes. But first of all, let's discuss about, in previous class we had discussed all of the topics, all of the terms like atoms, molecules, compound, elements, all etc. But in today's class we are going to cover the terms like mixtures, their types, and chemical symbols, all the rules about chemical symbols and all that. So dear students, let's start learning about mixtures. What do you mean by the term mixture? What are these mixtures? Mixtures are also substances that are formed by the substances that are formed by mixing of two or more than two compounds or elements. Example, air, sugar / salt solution, etc. Dear students, what do you mean by the term mixtures? Mixtures are the substances which are formed by mixing of two or more than two compounds or elements. Example, air, sugar, salt solution, etc. जैसा कि हम सब जानते हैं, जो मिक्सचर है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से मोर देन टू सब्सटेंसेस या मोर देन टू कंपाउंड्स के मिक्सिंग से बनता है. ठीक है, मीन्स कि इफ दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, लाइक दो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस या दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जो होंगे वो फिजिकली अगर कंबाइंड होंगे, फिजिकली कंपोज्ड होंगे, तो एक न्यू सब्सटेंस जो मिलेगा वो होगा हमारा मिक्सचर्स. एग्जांपल में अगर हम बात एयर की करते हैं तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऐसा तो हम सब कह सकते हैं. एयर का डेफिनेशन ही होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, मीन्स की एयर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के गैसेस प्रेजेंट होते हैं. फर्स्टली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सारे गैसेस से मिलके बना होता है एयर, तो एयर इज अ मिक्सचर. सो इफ आई टॉक अबाउट सुगर सॉल्यूशन, तो सुगर सॉल्यूशन में भी दो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड है, सुगर है और वाटर है. वाटर इज डिफरेंट कंपाउंड एंड सुगर इज डिफरेंट कंपाउंड एंड दे फिजिकली कंबाइंड, फिजिकली कंपोज टू मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड sugar solution, and sugar solution is a type of mixture. So if I talk about mixture, what is this mixture? Mixture is any substance that can be formed by mixing of two or more than two compounds. So I just think this is crystal clear to you. So once again, what is this mixture? Mixtures kya hote hain? So mixtures jo hote hain wo aise substances hote hain jo do और दो से ज्यादा किसी दूसरे दूसरे कंपाउंड्स को अगर टुगेदर मिक्स करा दिया जाता है, टुगेदर फिजिकली कंपोज हो जाते हैं वो, तो नया सब्सटेंस जो बनता है वो होता है मिक्सचर. ओके, सो नोट इट डाउन, मिक्सचर्स आर द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स. सो लेट्स मूव अहेड. We have types of mixtures. How many types of mixtures? Mixtures are of two types. Okay, mixtures are of two types. The first type is homogeneous mixtures and the second type is heterogeneous mixture. But first of all, आपको इतना तो इस definition से पता चला कि जो mixture होता है ये किसी भी substance का फिजिकल कंपोजिशन बताता है, यानी कि उसके फिजिकल कंपोजिशन की बात होती है मिक्सचर्स में, ना कि केमिकल कंपोजिशन की. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर. द फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर.
second is heterogeneous mixture. ये दोनों types क्या है? Let's talk homogeneous mixtures. Mixture का वो type होता है, मतलब कि homogeneous mixtures में वैसे mixtures की बात की जाती है जो completely, जिनके जो compositions में जितने substances होते हैं वो completely mixed हो जाते हैं, जिसमें रेस्ट जो पार्टिकल्स है नहीं बसता, मीन्स की वो कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरह से मिक्स्ड हो गए, तो वो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स. बहुत ऐसे भी मिक्सचर्स होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स्ड नहीं होते हैं, तो वैसे टाइप के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर्स, ये होमोजेनियस मिक्सचर्स जो है इनके जो सब्सटेंसेस होंगे, जो कम्पोजिशन के सब्सटेंसेस होंगे वो कम्प्लीटली मिक्स्ड होंगे. लाइक शुगर सॉल्यूशन, एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन जो है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का, क्योंकि इसके जो शुगर सॉल्यूशन में दोनों के दोनों कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड वाटर जो है कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर हो जाते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, इसमें जो सब्सटेंसेस है वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, यानी कि देयर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली. सो दे आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स. एग्जाम्पल चॉक इन वॉटर, एयर और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सो होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं. दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर. एंड इफ आई टॉक अबाउट हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर. सो मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सो लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन. Homogeneous mixture सॉल्यूशन, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हम जो पीते हैं वो क्या है, सारे होमोजेनियस मिक्सचर है. और होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. सो डियर स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. व्हाट इज दिस होमोजेनियस मिक्सचर? द मिक्सचर इन व्हिच सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर. Substances are uniformly mixed together. Okay, here uniformly mixed together are called homogeneous mixtures. Example: sugar solution, salt solution, all of the soft drinks, etc. Note it down. So now we have one more term. That is homogeneous mixtures. Mixtures are also called solution.
So moving on, we have new topic, that is heterogeneous mixture. What are these heterogeneous mixtures? वैसे mixtures जिनके compounds जो हैं, जिनके substances जो हैं, वो uniformly mixed नहीं हो पाए. They are not mixed well. So they are called heterogeneous mixtures. Okay? What are these heterogeneous mixtures? Shocking duster. Sorry, water. Petroleum. Air. Etc. So, dear students, note it down. Petroleum, air, shocking water, they are the example of heterogeneous mixtures. So, मैं फिर से repeat करती हूँ. The mixtures in which the substances do not mix properly are called heterogeneous mixtures. Example, shocking water, petroleum, air, they are the examples of. So now, moving on, we have new topic, that is chemical symbol. Yes, students, chemical symbols होते हैं. अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. What are these chemical symbols? क्या होते हैं chemical symbols और उनके कुछ rules हैं. उनको अभी देखेंगे कि कौन-कौन से rules set up किए गए हैं chemical symbols के लिए. So let's start talking about chemical symbol. So dear students, let's start talking about chemical symbols. क्या होते हैं chemical symbols? We all know that there are more than hundreds of elements are exist. More of hundreds of elements exist in this nature. And बहुत मुश्किल है इन सबको पूरे नाम से बुला पाना. तो हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फुल नेम जो है उनका फुल नेम लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसलिए एक रूल सेटअप किया गया जिसके अनुसार जो है वो किसी भी एलिमेंट का हम शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं और उस शॉर्ट फॉर्म से ये रिप्रेजेंट होता है कि वो किस एलिमेंट की बात हो रही है. जैसे कि
आपने देखा होगा H, H से हम किसको डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को। तो ऐसे करके एक सिस्टम है, एक सिस्टम तैयार किया गया जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट लेटर को, उनके नाम के फर्स्ट लेटर को हमने क्या किया, ले लिया और उसे डिनोट किया उसके फुल नेम को। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H यूज करते हैं। वन मोर थिंग दैट आई हैव टू से, जो केमिकल सिंबल्स, जैसे कि अगर बात हम एम्स की करें, धनी एम्स की, तो एम्स में उसका पूरा नाम क्या है, हम उसको एम्स क्यों बुलाते हैं, उसका पूरा नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बट हमेशा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इसके लिए एब्रिवेशन बन गया एम्स, ताकि कोई भी शॉर्ट फॉर्म में उसको ईजिली सही तरीके से यूनिफॉर्मली अच्छे सिस्टम से डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही केमिकल सिंबल ये डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कौन से केमिकल्स के हैं, और ये शॉर्ट फॉर्म में इजी भी हो जाता है, यूनिफॉर्मली आप डिस्टिंग्विश आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस एलिमेंट की बात हो रही है। तो इन शॉर्ट केमिकल सिंबल्स जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट्स के एब्रिवेशन होते हैं, यानी कि एब्रिवेशन ऑफ केमिकल्स नेम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड केमिकल सिंबल्स। ओके, सो हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो बात की आती है कि जो केमिकल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स, हंड्रेड से भी बहुत सारे, मोर देन हंड्रेड एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर, तो सारे के सारे फुल नेम से हम डिनोट नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको इजी वे से, इजी सिस्टम में लाने के लिए, यूनिफॉर्मली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किया केमिकल सिंबल्स का। साइंटिस्ट ने इस बहुत अच्छे तरीके को लाया, देखोगे यहाँ पे आप, जैसे कि अगर बात हम ऑक्सीजन की करते हैं, एग्जांपल्स, तो ऑक्सीजन को हर जगह ऑक्सीजन लिख पाना केमिस्ट्री में, या फिर हर जगह सारे के सारे एलिमेंट्स के फुल नेम को लिख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए इसके एब्रिवेशन फर्स्ट लेटर को, किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को हमने ले लिया, और साइंटिस्ट ने ये कर दिया कि जो ऑक्सीजन है, जैसे कोई भी एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो डिनोट करेगा उसके केमिकल सिंबल को। मीन्स की केमिकल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के, केमिकल्स के को या एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके केमिकल सिंबल्स को बनाया गया, उनके एब्रिवेशन को तैयार किया गया, उसे हम केमिकल सिंबल कहते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन के लिए O, फिर अगर बात हम कैल्शियम की करते हैं तो कैल्शियम के लिए Ca आता है, कार्बन करते हैं उसके लिए C आता है, और अगर नियॉन की बात करते हैं, बोरोन की करते हैं तो B आता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे जो केमिकल्स एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स के लिए जो भी यूज हो रहा है ना, शॉर्ट फॉर्म एब्रिवेशन, इसे हम एब्रिवेशन कहते हैं। एब्रिवेशन को शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, एब्रिवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो पूरे नाम को डिनोट करने से अच्छा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर ही हमने ले लिया, उसे हम कहते हैं केमिकल सिंबल। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल क्या है, O है। कार्बन का केमिकल सिंबल C है, कैल्शियम का केमिकल सिंबल Ca है, बोरोन का B है। ओके, ऑलराइट, तो डेफिनेशन क्या होगा केमिकल सिंबल्स का, द एब्रिवेशन ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड केमिकल सिंबल्स। किसी भी एलिमेंट्स के नेम की एब्रिवेशन को केमिकल सिंबल्स कहा जाता है। ओके, तो देयर आर एग्जांपल्स। अब केमिकल सिंबल्स की बात अगर हो रही है, तो वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म इज दैट कि कुछ रूल्स भी सेटअप किए गए, कुछ ऐसे रूल्स सेटअप किए गए जिसके अकॉर्डिंगली हमें केमिकल सिंबल्स का यूज करना होता है। वो रूल क्या क्या है, लिस्ट ऑफ द रूल्स। द रूल नंबर फर्स्ट इज, द रूल नंबर फर्स्ट इज, केमिकल सिंबल्स में सबसे पहले जो भी एलिमेंट हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम के, एलिमेंट्स के नेम के फर्स्ट लेटर को हम यूज करेंगे, एलिमेंट्स के नेम के फर्स्ट लेटर को ही हम केमिकल सिंबल्स के फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, सो केमिकल्स, जैसे कि कोई भी एलिमेंट आप लो और उसका जो फर्स्ट लेटर है वही यूज होगा एज अ केमिकल सिंबल। दूसरा रूल है वो ये है कि मान लो अगर दो एक ही जैसे लेटर से स्टार्ट होने वाले नेम के एलिमेंट्स हैं, सेम लेटर, जैसे कैल्शियम
और कार्बन दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर दोनों सी से ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डिस्टिंग्विश कर पाना कि कौन सा कैल्शियम है कौन सा कार्बन है। तो रूल सेकंड के अकॉर्डिंग जो अगर दो अलग अलग एलिमेंट सेम नेम से सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे तो इसके लिए जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसके लिए हमने दूसरा वाला लेटर ले लिया। जैसे कि कैल्शियम के साथ कार्बन का कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैल्शियम को सी से नहीं कर सकते हैं। इस केस में कैल्शियम का जो फर्स्ट लेटर उसके साथ उसका सेकंड लेटर भी साथ आ जाएगा, तो ये हो गया कैल्शियम। तो कार्बन को सी से कैल्शियम को सी ए से, इस टाइप से हम यूज करते हैं सिंबल्स को। तो ये सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर दो सेम एक जैसे एलिमेंट्स हैं जिनका नेम एक जैसे एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो इस केस में दो लेटर को हम यूज कर लेते हैं। थर्ड रूल जो है उसके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका कुछ लैटिन नेम है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ लैटिन नेम ही होता है और साइड से जैसे आयरन, आयरन का लैटिन नेम फेरम होता है, तो इस केस में उसके लैटिन नेम से हमने सिंबल बना लिया। ओके, तो लैटिन नेम के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं आयरन को, जैसे एफ ई। आयरन में तो कहीं एफ ई नहीं है बट फेरम इसके लैटिन नेम में है, तो इस केस में हमने आयरन के लैटिन नेम से उसके सिंबल्स को प्रिपेयर किया, रेडी किया। तो ऐसे ही ये तीनों रूल्स से केमिकल सिंबल से रिलेटेड ऐसे हमारा चैप्टर, सॉरी ये सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एटॉमिसिटी देखेंगे।